नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कीर्ति आजाद ने कहा, पार्टी बताए मेरी गलती क्या है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ डीडीसीए मामला उठाने के बाद भाजपा से निलंबित किए गए सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि पार्टी बताए कि उनकी गलती क्या है। उन्होंने कहा कि इस मामले को मैं पिछले 9 सालों से उठा रहा हूं। डीडीसीए मामला यदि पार्टी का मामला है तो बीसीसीआई भी पार्टी का मामला होना चाहिए। उन्होंने पूरे मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की भी मांग की। उन्होंने उन विशिष्ट कारणों के बारे में पूछा है जिनके चलते पार्टी द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। आजाद ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री मेरे आग्रह को सुनेंगे और न्याय करेंगे। स्वामी रामदेव ने कहा, कांग्रेस की विचारधारा देश के लिए घातक। वो गुरु रामदेव ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की आलोचना करते हुए दावा किया कि कांग्रेस नेताओं ने हमेशा भगवान राम और कृष्ण को काल्पनिक पात्र के रूप में पेश करने की कोशिश की है। राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या में पत्थर लाए जाने को लेकर हाल के विवादों पर उन्होंने कहा कि दुनिया का हर देश धार्मिक और ऐतिहासिक संरचनाओं को बचाकर रखता है। रामदेव ने कहा कि भगवान राम, राम मंदिर, राम सेतु और आर्यों की नस्ल के बारे में कांग्रेस की विचारधारा इस देश के लिए घातक है। जबलपुर हवाई अड्डे का लाइसेंस निलंबित। विमान नियामक संस्था डीजीसीए ने इस महीने के आरंभ में हुई एक घटना के आधार पर जबलपुर हवाई अड्डे का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। पिछले महीने जंगली सुअरों का एक झुंड रनवे पर चल रहे स्पाइस जेट के विमान के सामने आ गया था, जिसके कारण पायलट ने नियंत्रण खो दिया। सूत्रों ने बताया कि इसी घटना के सिलसिले में जबलपुर हवाई अड्डे की जिम्मेदारी संभालने वाले भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 3 कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया है। सऊदी अरब में अस्पताल में आग, 25 लोगों की मौत। दक्षिणी सऊदी अरब में गुरुवार को एक अस्पताल में आग लगने से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 107 अन्य लोग झुलस गए। नागरिक रक्षा एजेंसी ने ट्विटर पर कहा कि आग दक्षिणी सऊदी अरब स्थित जजान जनरल हॉस्पिटल के आईसीयू और जच्चा बच्चा केंद्र में लगी। अपने नए ट्वीट में एजेंसी ने कहा कि जजान अस्पताल हादसे पर काबू पा लिया गया है और आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच की जा रही है। शादी कर लो राहुल भैया, सब ठीक हो जाएगा, कांग्रेस उपाध्यक्ष को पार्टी कार्यकर्ता की सलाह। अमेठी दौरे के दौरान राहुल गांधी को एक कार्यकर्ता से एक फुझाव मिला, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राहुल गांधी जब कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे तो उस समय एक कार्यकर्ता ने कहा कि राहुल जी आप शादी कर लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। कार्यकर्ता ने इस बात का प्रमाण भी दिया कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में एक महिला की भूमिका होती है। हालांकि राहुल कार्यकर्ता का यह सुझाव सुनकर मन ही मन मुस्कुरा दिए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।